हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम बात करेंगे ऐसे रहने के बारे में, ऐसे रेन और ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होते हैं। हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी पोल्यूशन में हमने स्मोक कंप्लीट कर लिया था, जो कि किससे बना होता है? स्मोक प्लस फॉग से बना होता है। उसमें सेकेंड पार्ट था एसिड रेन का। एसिड रेन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है। वर्ड है ना एसिड रेन वर्ड किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ऑगस्टाइन, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि जो इसके अंदर NO2 है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है, NO2 और SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो रिलीज होती है। कहाँ से रिलीज हो रही है? अलग अलग सोर्सेज, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन फॉर्म ऑफ स्मोक। स्मोक से जो धुआं निकलता है ना, उसके अंदर NO2 गैसेज होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था स्मोक के बारे में, डिस्कस किया था कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं स्मोक से, एंड डिजोल्व इन एटमोस्फेरिक वाटर वेपर। और वो जो गैसेज रिलीज होती है वो वाटर वेपर में डिजोल्व हो जाती है, और वो मिल करके क्या बना देती है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब जो यही एसिड है, क्या होता है जब बारिश होती है तो उसके साथ में नीचे गिरती है। दी एसिड कम डाउन ऑन अर्थ विद रेन वाटर, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात आती है, देखो एसिड रेन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो क्या, वेट डिपोजिशन और एक ड्राई डिपोजिशन। एसिड मतलब कि इसके अंदर कुछ गैसेज होती है जो कि वेट डिपोजिशन में आते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, और कुछ ड्राई डिपोजिशन में। अगर देखो एसिड जो है, एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन में। अगर एसिड जो है एसिड रेन के साथ में, फॉग के साथ में, या फिर स्मोक के साथ में अगर आ रहा है नीचे अर्थ पे, तो उससे हम बोलेंगे वेट डिपोजिशन। और अगर एसिड जो है सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स, नाइट्रेट, सल्फेट, इनके साथ में आ रहा है अर्थ पे, तो उसको बोलेंगे आप ड्राई डिपोजिशन। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, आपके नोट में मेंशन होगी ये चीज़। जो पीएच होता है ना एसिड रेन का, वो 3.5 से 4 होता है। पीएच कितना होता है? 3.5 से 4। और जो नॉर्मल रेन होती है उसका पीएच होता है 5.6। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 3.5 to 4, लेकिन जो नॉर्मल रेन होती है वो क्या है? 5.6 है, ठीक है, समझ में आ गया ना। और अगर मान के चलो देखो एसिड रेन जो गिर रही है वो 7:3 की फॉर्म में नीचे जो है आ रही है। 7 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब 70% उसमें क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। और 7:3 था ना, और 30% क्या होगा? नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये क्या है? 7:3 की फॉर्म में होंगे। और ये जो रेशियो है ना पीएच जो है कि 3.5 to 4 पीएच जो होता है एसिड रेन का, नॉर्मल का 5.6 होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, या फिर बोर्ड के जो ऑप्शन टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना, ठीक है ना। ये याद रखने वाली चीज है, आपके नोट्स में ब्लैक पेन से क्या है मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब बात आती है क्या इफेक्ट क्या होता है एसिड रेन का। देखो एसिड रेन की जो एसिडिटी होती है, अब देखो वाटर के साथ में, मतलब रेन के साथ में एसिड आ रहा है, H2SO4 या फिर HNO3 आ रहा है, तो अर्थ पे जाएगा, अर्थ पे बारिश आएगी, तो सॉइल के अंदर या फिर वाटर के अंदर उनका जो पीएच है ना, मतलब उनकी जो एसिडिटी है, उनकी जो एसिडिक कंडीशन है सॉइल की और वाटर की, वो बढ़ जाएगी, और ज़्यादा एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पीएच क्या है? घट जाएगा बहुत ज़्यादा, नॉर्मल पीएच से कम हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या होगा? ये क्या जो एसिड है, एसिड रेन ऑल्सो कॉज डैमेज हिस्टोरिकल मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किले और ताजमहल वगैरह होते हैं ना,
इनको भी ये क्या है डैमेज करते हैं, एसिड रेन जो है देखना कभी। मान के चलो पहले जो ताजमहल की जो चमक थी, जो मतलब दिखने में जो सुंदर मतलब एकदम शाइनिंग जो शो होती थी उसकी, बट वो अब नहीं दिखती। क्यों? ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन की वजह से क्या है, ये जो है डैमेज होते जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। सेकेंड बात आती है, ये तो था एसिड रेन, सेकेंड बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने जब एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, एटमॉस्फेयर टॉपिक का चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर पढ़ा रहा था, तब आपको मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड कुछ बताया था कि जो टेम्परेचर है ना अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस, वो ग्रीन हाउस गैस की वजह से है। क्योंकि जो रेडिएशन आती है ना वो क्या कर देती है, वो जो अर्थ पे रेडिएशन आ रही है उसमें से ये गैसेज जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज क्या है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। मैंने उस टाइम भी बताया था, जैसे 100% आ रही है तो क्या है 90% उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी उसको रिलीज कर देगी, ठीक है ना, जब रिफ्लेक्ट होके जाती है अर्थ से वापस रेडिएशन जो है, मतलब कि उन गैस उस रेडिएशन को वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और निकलने नहीं देती है, निकलने नहीं देती। उस वजह से क्या है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगी ना तो टेम्परेचर कितना होगा, -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का, कितना, -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन, ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन इन लोअर एटमोसफेयर ड्यू टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर टू द लोअर वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन दैन टू द रिफ्लेक्टेड हायर वेवलेंथ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अर्थ। जो अर्थ की जो रेडिएशन है वो क्या है, हाई है, हायर वेवलेंथ की है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, जो ऊपर से जो ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन है, जब जो ऊपर से सनलाइट से कोई भी रेडिएशन आती है एटमोसफेयर लोअर एटमोसफेयर में ऊपर से आता है तो वो क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के कारण जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है ना वो उनकी तुलना में जो अर्थ से निकलने वाले जो रेडिएशन होती है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वो क्या कर देती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो गैसेज उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको बाहर एटमोसफियर से बाहर नहीं निकलने देती, एटमोसफियर से बाहर नहीं निकलने देगी तो क्या होगा, वो वहीं पे रह जाएंगी, उन रेडिएशंस में से हीट निकलेगी और उस हीट की वजह से क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, जो कि अर्थ से रिलीज होती है, अर्थ एटमोसफियर से रिलीज होती है, ठीक है। अर्थ का जो एटमोसफियर है वहाँ से जो गैसेज रिलीज होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्या कर देती है, हाई वेवलेंथ को तो क्या है वहाँ से लिमिट कर देगी से क्या है वहाँ अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसी को हम ग्रीन हाउस उनकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। देखो सेकेंड बात आती है कार्बन की, जो कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, पॉलीटेंटिक फॉर्म में कंसिडर नहीं किया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड है ना पॉलीटेंटिक फॉर्म में कंसिडर नहीं किया जाता। यूजुअली CO2 इज नॉट कंसिडर्ड एज पॉलीटेंट बट इट्स हायर कंसेंट्रेशन फॉर्म्स ए थिक लेयर अबव द अर्थ सरफेस। इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो एक लेयर बना देते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, थिक लेयर बना देते हैं, वो चेक करती है रेडिएशन को, मतलब हीट जो निकल रही है उसमें से रेडिएशन में से, ठीक है, जो हीट वहाँ से अर्थ से रिलीज हो रही है ना उसमें से जो रेडिएशन रिलीज हो रही है ना अर्थ से हीट और फिर वहाँ से जो रेडिएशन निकलते हैं उसको चेक करती है, ठीक है। इसकी जो हायर कंसेंट्रेशन अमाउंट है तभी तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होती है। देखो जो दिस एंड अदर गैसेज इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज जो होती है टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज इंक्रीजिंग इसकी वजह से जो है टेम्परेचर मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन को और उसमें से जो हीट रिलीज होती है तो वो क्या है टेम्परेचर को बढ़ा देती है अर्थ के, जिस वजह से उस
प्रोसेस को या फिर उस मैटर को हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ से जो हीट रिलीज हो रही है ना कौन रेडिएशन से जो हीट रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब सेकेंड बात आती है, देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, पहले हम इफेक्ट देख लेते हैं इसके, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इफेक्ट क्या है ग्रीन हाउस गैसेज का, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, इसमें क्या होता है देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी, है ना, उस समय के लिए जो प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, क्योंकि वहाँ से क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। अगर ये सी3 प्लांट में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, अगर सी3 प्लांट में ज़्यादा देखा जाता है तो बाकी के जो प्लांट्स हैं या बाकी के जो G4 वाले प्लांट्स हैं उनमें ये नॉर्मल मात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा होगी, सी3 प्लांट में ज़्यादा मिलेगी, और अगर सी3 प्लांट में ज़्यादा है तो दूसरी जो प्लांट G4 वाले वो क्या उसमें कम मिलेगी, ठीक है। सेकेंड है ग्लोबल मीन टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय 0.9 डिग्री सेल्सियस इन 20th सेंचुरी, डिग्री सेल्सियस 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया टेम्परेचर जो है 20th सेंचुरी, 21st में क्या होगा वो तो, ठीक है। तो सेकेंड बात आती है सी लेवल भी इसका इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 1 साल में हर साल जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। एक और इफेक्ट है इसका पास्ट रिसेंटली जो देखा गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ना एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो गया कितना 280 पार्ट्स पर मिलियन से 366, और ये इंक्रीज हुआ 1956 से 2000 तक। देखो 1956 में 280 ppm था और 2002 में कितना होगा 368, ठीक है ना। तो अब है
ये एक अर्सा मेट है जो कि रियो डे डी जेनेरियो रियो या फिर राओ कह दो रियो डी जेनेरियो ये ब्राजील में हुआ था ठीक है 1992 में ये याद रखना ये जो तीन पॉइंट है ना ये जो तीन पॉइंट है ये इसमें रिपीटेडली पूछे जाते हैं ठीक है अर्सा मेट जो है राओ डी जेनेरियो ये किस सन में हुआ था कौन से ईयर में हुआ था तो किस जगह पर हुआ था ब्राजील में है ना किसके लिए हुआ था रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एंड बायोडाइवर्सिटी टू कंजर्वेशन एंड सेकंड पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस क्योटो जापान में है ये शहर जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए 1997 की सन याद रखना किस ईयर में हुआ था ठीक है This protocol requires countries to take appropriate measures to reduce their overall greenhouse gas emission to the level of 5%. 1990 में क्या है जो level था वो increase हो गया था due to period of 2008 to 2012 तब तक ये वो चला था उसमें 5% जो 1990 में थी ना उससे 5% जो है 2012 में कम हो गई थी जो greenhouse gas है की बात आती है अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट अर्थ समिट को वर्ल्ड समिट भी बोल लेते हैं या ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हेल्ड हुआ था और कहाँ पे जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है इसने क्या किया था रिड्यूसिंग दी ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बाय लिमिटिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल मतलब जो हम वाहन के अंदर जो हम फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह और ये सब उनका जो है यूज करना कम कर दिया लिमिट मात्रा में यूज करना स्टार्ट कर दिया है ना डेवलपिंग अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी का यूज विंड एनर्जी का यूज ठीक है ना ये सब स्टार्ट कर दिया ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए सेकंड पॉइंट इंक्रीज द वेजिटेटिव और मैंग्रोव फॉरेस्ट फोर परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 फॉरेस्ट फोर परसेंट मतलब जो है जो CO2 का यूटिलाइज करने लगे वो जो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही थी जिससे ज़्यादा हो सके और नाइट्रोजन जो है उसमें फर्टिलाइजर में मिनिमाइज कर दिया नाइट्रस ऑक्साइड रिड्यूस कर दिया गया नाइट्रोजन कम यूज करेंगे और डेवलपिंग सब्स्टिट्यूट टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रीज वगैरह जो कुकर वगैरह जो है ना इनसे ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से नाइट्रस ऑक्साइड 8% मीथेन 14% कार्बन डाइऑक्साइड डिपोजिशन से जो होता है ना बायोमास का उनकी वजह से 17% उनकी वजह से डिपोजिशन डीके और बायोमास की वजह से 17% और फॉसिल फ्यूल जो हम यूज करते हैं उनमें से 57% और कार्बन डाइऑक्साइड अगर अदर की बात करें तो 3% ठीक है ना क्लोरीन वगैरह उनकी गैस की बात करें तो 1% ठीक है ना और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये देख सकते हो आप नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मीथेन जो है इनका इफेक्ट देखने को कहाँ पे मिलता है मीथेन का एग्रीकल्चर में लैंडफिल्स में रोटिंग में वेजिटेशन फार्म्स में ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन डिफोरेस्टेशन ठीक है और सम हीट पासिस थ्रू द एटमोसफेयर कुछ हीट पास हो जाती है ग्रीन हाउस गैस ट्रैप दी हीट ग्रीन हाउस गैस मैंने बताया ट्रैप कर लेती है एंड द इंपैक्ट ऑफ दिस इज टू वार्म द अर्थ सरफेस ये गर्म कर देती है अर्थ को एंड द लोअर एटमोसफेयर को इस वजह से क्या है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है बढ़ गया था 2020 में और 21st में कितना बढ़ेगा ये आपको देखने को मिल जाएगा और पता चलता ही आपको कितना बढ़ेगा तो कितनी एबनॉर्मलिटीज आ रही है इम्बेलेंसेज आ रहा है अर्थ को ठीक है ना तो सही ढंग से ठंड पड़ती है ना सही ढंग से गर्मी पड़ती है कभी भी गर्म हो जाती है कभी भी ठंड हो जाती है वो बिगड़ रहा है माहौल जो अर्थ है ठीक है और ये सब है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्योंकि ग्रीन हाउस गैस को रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया और हीट को इनक्रीज कर दिया इस वजह से ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन हम पढ़ेंगे ठीक है ओके थैंक यू